गरीब दोसा नाव वाला। सुल्तानपुर गांव के नजदीक ही एक बड़ा सा नदी था। ठीक उस नदी के बीचों बीच शिवजी का एक बड़ा सा मंदिर था। उस मंदिर के सामने ही विनोद अपनी बीवी के साथ इडली वड़ा और डोसा का एक ठेला लगाकर वहां पर आए हुए भक्तों को और यात्रियों को तरह तरह के टिफिन बेचता रहता था। एक दिन, आइए साहब आइए, क्या चाहिए आपको? भाई विनोद, मुझे एक प्लेट इडली और एक डोसा देना। अभी देता हूँ। ऐसा विनोद ग्राहकों को संभालता था और उसकी बीवी लीला डोसा या वड़ा बनाती थी। दोनों अच्छी तरह मिलकर काम करते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस ठेले पर आया। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, दया करके कुछ खाने के लिए दे दो ना। आप रुकिए काका, ये लीजिए इडली और वड़ा। विनोद को उस बूढ़े को खाने देते हुए देखकर लीला को अच्छी नहीं लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? उसको खाना हम नहीं तो कोई दे देगा। ये भीख मांग कर भी अपना पेट भरेगा, आपको इतनी दया करने की क्या जरूरत है? ऐसा बेकार की बातें मत करो लीला। उस बुड्ढे को थोड़ा सा खाना दे दिया तो क्या नुकसान हो जाएगा हमारा? शिवजी की कृपा से हमारे पास तो देने के लिए बहुत है। आप बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। इस तरह विनोद भिखारियों को, गरीब बुड्ढे लोगों को लीला से बताए बिना खाना देता था। सभी लोग उसकी अच्छाई को देखकर आशीर्वाद देते थे। एक दिन सुबह जब विनोद और लीला ठेले लगाने के लिए नाव में नदी पार करके आने लगे, तभी जोर से बरसात होने लगी। तुरंत विनोद ने बोला, लीला, लगता है आज जोर सी बारिश होने वाली है। जब ग्राहक आना बंद हो जाएंगे तभी हम लौट कर आ जाएंगे, नहीं तो हम नदी के बीच ही फंस सकते हैं। ठीक है जी, जैसा आपकी मर्जी। तभी वहाँ पर दो ग्राहक आते हैं। विनोद भाई, बारिश जोर से हो रही है, हमें गर्मा गर्म इडली और डोसा देना। हाँ जरूर, छत के नीचे आकर बैठिए। थोड़ी देर में ही वही बूढ़ा आदमी फिर से वहाँ पर बारिश में भीगता हुआ आता है। बेटा, आज भी थोड़ा सा खाना देकर मेरी मदद करो। लीला उसे देखकर आग बबूला हो जाती है और उस बुड्ढे को डांटती है। लेकिन विनोद बीच में बोला, लीला तुम रुको, आप बेटी है काका, ये लीजिए खाइए। ऐसा विनोद उसका मदद करता है। लेकिन देखते ही देखते बारिश ज्यादा होने की वजह से नदी में बाढ़ आकर पानी मंदिर तक और उस ठेले तक आ जाती है। सब कुछ डूबने लगता है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उस बुड्ढे ने उसको दिया हुआ डोसा को नीचे लगाता है। देखो विनोद, घबराओ मत, मैं आपकी मदद करूंगा। अभी ये डोसा एक जादुई विशाल डोसा नाव के रूप में बदल जाएगी। आप इस डोसा नाव पर चढ़कर गांव चले जाना। तुरंत वह डोसा एक जादुई विशाल डोसा नाव की तरह बदल जाती है। सभी लोग उसमें चढ़कर नदी के उस पार गांव में चले जाते हैं। तभी लीला बहुत पछताने लगी। उस दिन से विनोद और लीला कोई भी बूढ़ा या गरीब आए तो उनको जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए देते थे। पूजा अपने घर की बाहर हमेशा साफ सफाई करती रहती थी। एक दिन वो कुछ बीज लगाती है और उनसे मटर का पौधा निकलता है। पूजा की खिड़की के बिल्कुल पास वो पौधा लग जाता है। पौधे पर छोटी छोटी मटर की फलियां निकलती हैं। उनमें से चार पहले मटर के दाने बहुत कच्चे होते हैं, जिन्हें पूजा की खिड़की साफ दिखाई देती है। वो रोज पूजा का गाना सुनते हैं और मजा करते हैं। वाह, पूजा कितना अच्छा खाती है ना? हाँ, बहुत सुंदर। सभी को उसका गाना सुनने में बहुत मजा आता है। लेकिन एक मटर की फली का दाना सबसे ज्यादा पूजा को चाहता है। वो हमेशा खिड़की के पास पूजा का इंतजार करता रहता है। कब आएगी पूजा? सारा दिन निकल गया, आज वो नजर ही नहीं आ रही। एक दिन पूजा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मटर की फली का दाना देखता है कि घर में डॉक्टर आ रहे हैं, आसपास के पड़ोसी आ जा रहे हैं। वो दो महिलाओं की बातें सुन लेता है। अरे बहन, पूजा की हालत तो सही नहीं लगती, ना जाने क्या हो गया है इसे, बिल्कुल बात नहीं करती, बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रही।
डॉक्टर तो कहता है इसकी इच्छा शक्ति पर ही सब निर्भर करता है। ना जाने ये कब ठीक होगी। बेचारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मटर का दाना जब ये बात सुनता है तो भगवान की आराधना करने लगता है और पूजा की तंदुरुस्ती की कामना करने लगता है। एक दिन खूब तेज तूफान आता है। अपनी इच्छा शक्ति के कारण वो मटर की फली का दाना सीधा पूजा के कमरे के अंदर जा गिरता है और उसे बातें करने लगता है। पूजा उठो, तुम्हें क्या हुआ है? यूं क्यों लेटी रहती हो? आखिर बात क्या है? मुझे देखो, मेरी इच्छा शक्ति मुझे तुम्हारे पास तक ले आई और तुम बिस्तर से ही नहीं उठ रही हो। पूरा जीवन तुम्हारे सामने है। उठो पूजा, उठो, तुम्हें उठना ही होगा। पूजा मटर की दाने की आवाज सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो देखकर हैरान रह जाती है कि मटर का दाना उससे बातें कर रहा है। तुम बात कर सकते हो? ये कैसे हुआ और तुम यहाँ कैसे आए? ये मेरी इच्छा शक्ति है, इसीलिए। तुम्हें भी अपनी इच्छा शक्ति को जगाना होगा। हम सबके अंदर वो है, मगर उसे जगाना इंसान के अपने अंदर होता है। कोशिश करो, उठो, जागो, अच्छा खाना खाओ, पानी लगातार पियो। धीरे धीरे तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगी पूजा। धीरे धीरे रोज कहने पर पूजा उसकी बात मान लेती है। मटर की फली के दाने को अपने खिड़की के पास छोड़ देती है। अब तुम यहीं रहो, मैं खाना भी खाती हूँ, समय पर पानी और दवा भी लेती हूँ। उम्मीद तो है धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। क्यों नहीं, तुम जरूर ठीक हो जाओगी, पहले से तुम बहुत अच्छी हो चुकी हो। धीरे धीरे पूजा तंदुरुस्त हो जाती है। एक दिन बरसात के बाद पूजा का ध्यान अपनी खिड़की पर जाता है। वो देखती है कि मटर का दाना अब फिर से एक पौधा बन चुका है। वो उसे रोज पानी देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उस मटर के दाने ने ही उसे इच्छा शक्ति हमेशा बनाए रखना सिखा दिया था। उंझार करके एक गांव में कृष्णा करके एक किसान रहता था। उसका एक एकड़ का जमीन था। उसके जमीन के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ थी। वहां पर कृष्णा ने एक देवी माँ का मूर्ति लगाकर हर रोज पूजा करता था। कृष्णा का एक ही डर था, मुकेश। मुकेश एक बड़ा सेठ था और उसको कई व्यापार और धंधे थे। मुकेश की नज़र हर वक्त कृष्णा के जमीन पे ही था। उसे वह किसी भी तरह पाना चाहता था। अरे कृष्णा, कितने साल अपने एक एकड़ की जमीन के लिए लड़ोगे? ये जमीन मुझे दे दो। अगर ऐसा हुआ तो इस इलाके में सबसे बड़ा जमींदार मैं ही बनूंगा। सेठ जी, आप सबसे बड़े जमींदार होने के लिए मैं अपना जमीन क्यों बेचूं? ये ठीक नहीं है, मुझसे जबरदस्ती ना करो। मुझे ये खेती के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन आपको कई धंधे हैं ना? अच्छा, ऐसा क्या? तो देखते रहना, अब से मैं इस खेत के लिए नहीं पूछूंगा, तू ही तुम्हारा खेत मुझे सौंप देगा, ऐसा करूंगा। हाँ, ऐसा धमकी देके मुकेश वहां से चला जाता है। अगले ही दिन से अपने पैसों का घमंड दिखाना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी लाइन मैन को कुछ पैसे देकर कृष्णा के खेत में बिजली कटवा देता है। इसके कारण कृष्णा के खेत में मोटर चलना बंद हो गया और पानी नहीं आया। ये देखकर कृष्णा डीजल से पंप चलाने के लिए सोचकर पेट्रोल पंप चला जाता है। अरे भैया, 10 लीटर डीजल देना। अरे कृष्णा भाई, तुम कब सुधरोगे? बड़े बड़े लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, उन्हें जो चाहिए वो लेकर ही रहेंगे। फिलहाल तो मैं डीजल तो नहीं दे सकता, मेरे और सेठ जी के कुछ लेन देन है, माफ करना भाई। ये देखकर सेठ हंसने लगा। क्यों रे कृष्णा, अब क्या करेगा पंप चलाने के लिए? निराश होकर कृष्णा वहां से चला जाता है। वह किसी भी तरह पानी का पंप चलाने के लिए सोचता है। ऐसा वह एक गैस सिलेंडर से अपना पंप चलाकर पानी खेत में लगाने के लिए सोचता है। अगले ही दिन एक गैस सिलेंडर लाकर अपने पंप को लगा देता है। एक बार वह उसके खेत में देवी माँ के पास गया और नमस्कार किया। माँ, कुछ जादू कर दे, मुझे किसी भी तरह इस पंप को चलाना है। जैसे ही वह सिलेंडर को ऑन करके पंप चलाया, उसमें से ढेर सारे पैसे निकलने लगे। ये देखकर कृष्णा दंग रह जाता है। आसपास के लोग भी वहां पर आया और पैसों को देखते ही रह गए।
ये बात जानकर मुकेश सेठ भी वहां पर आया। पैसों का ढेर देखकर लालच से जलने लगा। कृष्णा उन पैसों से आसपास के जमीन खरीदकर एक बड़ा सेठ बन गया। एक ही दिन में किसान कृष्णा कृष्णा सेठ बन जाता है। सभी लोग उसे इज्जत भी देने लगे। इस तरह जादुई गैस सिलेंडर मोटर पंप के सहायता से कृष्णा करोड़पति बन गया।